तो फाइनल कह सकूँ आज के को नई वीडियो के साथ। तो आज का जो कंसेप्ट है थंबनेल का पता लगा लो के क्या करना कि टॉपिक के ऊपर होने वाला। आज का जो कंसेप्ट है गणेश चतुर्थी के ऊपर होने वाला। तो वीडियो में जितने पीएम वगैरह यूज करने वाला ना तो सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से डाउनलोड करें इनका जो मैं चैनल बनाया चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चले गए मिनट आएंगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो ठीक है फाइनली आपको सबसे पिक्सार एप्लीकेशन ओपन करना एंगे उसके नाम ये वाला बेगन ओपन करना। ठीक है तो अब आपको क्या करना सिंपल का एड फोटो करना जाना एंड आपको एक पीएनजी लेना। ठीक है तो गाइस इस बार अपन ये वाला पीएनजी लेंगे गणपति जी का एंगे इसको थोड़ा जूम या जूम आउट करके यहाँ पे एडजस्ट करने वाला। ठीक है इतना लगेंगे परफेक्ट है। सिंपल का फोटो पर टैप करेंगे एंड साइड में एरो का निशान दिख रहा है रबड़ का निशान उस पर टैप करेंगे। ठीक है इरेजर पर जाएंगे एंगे इसके ओपासिटी एंड हार्डनेस को थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक है एंड जूम करके नीचे की होगा थोड़ा सा एरिया होगा थोड़ा सा पार्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है इतना ठीक है थोड़ा सा होगा साइज को देख लेंगे एंड साइज को जूम इन जूम आउट करके परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। ठीक है डन राइट क्लिक करेंगे एंड आपको दोबारा एड फोटो करना जाना एंड आपको एक पीएनजी वो लेना। तो गाइस इस बार आपको ये वाला पीएनजी लेना ये वाला। ठीक है एंड एक बार ये वाला पीएनजी लेना। ठीक है दो पीएनजी लेंगे गाइस परफेक्ट है। इस वाला पीएनजी का सिंपल का ब्लेंडिंग में जाकर इसको स्क्रीन मोड करना। ठीक है इसको यहाँ पे सिंपल एडजस्ट करने वाला। ठीक है पाँव के यहाँ। ठीक है तो एंड गाइस इस पीएनजी पे टैप करेंगे एंड रबड़ पर जाएंगे। ठीक है जो साइड साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको रिमूव करेंगे। ठीक है हार्डनेस को कम करेंगे एंड ऊपर से थोड़ा सा डाउन करेंगे। ठीक है एंड फोटो जूम करके सिंपल का साइड साइड के जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना गाइस उसको रिमूव करने वाला है। परफेक्ट राइट क्लिक करेंगे एंड गाइस इस वाले पीएनजी को सिंपल जूम करके यहाँ पे एडजस्ट करने वाला। ठीक है परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है सिंपल का एयर फोटो में जाना आपके मॉडल का पीएनजी लेना। ठीक है ठीक है मॉडल का पीएनजी लेंगे इसको का सिंपल यहाँ पे एडजस्ट करने वाला। ठीक है ठीक है थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट करके इसको यहाँ पे एडजस्ट करने वाला। ठीक है ठीक है थोड़ा सा इसको इस साइड ले लेना सिंपल का सेंटर बीचों बीच रखेंगे एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करने वाला। ठीक है परफेक्ट है डन क्लिक। तो आपको क्या करना सिंपल का ड्रॉ टूल के अंदर जाना। ठीक है एंड क्लच का ब्लैक रखना। ठीक है ब्लैक कलर लिया एंड ब्रश की सेटिंग आप देख सकते हो। ठीक है सिंपल फोटो जूम करेंगे एंड पाम के यहाँ एक शेडो क्रिएट करेंगे। ठीक है कुछ ऐसे। ठीक है राइट क्लिक करना आपको दोबारा आपको एड फोटो करना जाना एंड आपको एक पीएनजी वो लेना। ठीक है तो इस बार गाइस अपन ये वाला पीएनजी लेंगे एंड ये वाला पीएनजी लेंगे। ठीक है दो पीएनजी को लेंगे तो इस वाला पीएनजी को सिंपल का जूम करके ब्लेंडिंग में इसको स्क्रीन मोड करना। ठीक है परफेक्ट है एंड सिंपल को यहाँ पे एडजस्ट करने वाला अपन। ठीक है इस वाले पीएनजी को लेंगे एंड सिंपल जूम करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है जूम आउट करेंगे एंड यहाँ पे एडजस्ट करने वाला अपन। ठीक है परफेक्ट है। दोबारा आपको एड फोटो करने जाना आपको एक टेक्स्ट का पीएनजी लेना टेक्स्ट का पीएनजी ये वाला परफेक्ट है। सिंपल का इसका भी अगर ब्लेंडिंग मोड जाकर स्क्रीन मोड करना। ठीक है ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन के एंड सिंपल को यहाँ पे एडजस्ट करने वाला। ठीक है थोड़ा जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट करने वाला अपन। ठीक है परफेक्ट एडिटिंग है। ठीक है एंड सिंपल राइट क्लिक करेंगे। ठीक है ड्रॉ टूल करना जाना आपको एंगा थ्री डॉट पर जाकर सेव इमेज करना। ठीक है थ्री डॉट पर गए एंगा सेव इमेज कर ली। तो अगर जब बाकी की एडिटिंग ना आप लाइटों में करने वाला अपन चला फटाफट कर लाइटों को भी ओपन करते हैं। तो फाइनली अगर लाइटों को फोटो में ओपन कर सिंपल कलर में आना एंगा मिक्स में जाना। ठीक है तो अगर फर्स्ट वाला का थोड़ा सा होवे को बढ़ाएंगे एंड स्विच को थोड़ा डाउन करेंगे। ठीक है लूमिनस को थोड़ा सा लूमिनस को बढ़ाएंगे। ठीक है इतना ही करेंगे सेकंड वाला आइकन में आएंगे तो क्या होवे को थोड़ा सा होवे को आपको माइनस प्लस करना। ठीक है एंड स्विच को थोड़ा सा स्विच को प्लस करना एंड लूमिनस को थोड़ा सा प्लस करना है। ठीक है परफेक्ट है। सेकंड आइकन में आएंगे तो ग्रीन में आएंगे ग्रीन को थोड़ा सा आपको होवे को बढ़ाना। ठीक है एंड स्विच को थोड़ा सा स्विच को बढ़ाना एंड लूमिनस को थोड़ा सा लूमिनस को बढ़ाना। ठीक है
अगला आइकन में ब्लू वाला आइकन में, तो ब्लू को थोड़ा हो गया को बटन एंड स्विच को डाउन करना, परफेक्ट है। डन क्लिक करेंगे तो अगला आइकन में आएंगे, अगर डन क्लिक अगला आइकन में आएंगे तो क्लेटर को, ठीक है क्लेटर को थोड़ा सा क्लेटर बढ़ाएंगे, डी एस को कुछ नहीं करेंगे, विग्नेट को थोड़ा सा विग्नेट को माइनस करेंगे, ठीक है परफेक्ट है। विग्नेट को थोड़ा सा विग्नेट को माइनस करेंगे, कॉन्ट्रास्ट में आएंगे तो कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजर को थोड़ा सा 10% आपको एक्सपोजर को बढ़ाना, ठीक है। एंड ब्लैक को थोड़ा सा ब्लैक को माइनस रखना, ठीक है प्लस रखेंगे ब्लैक को थोड़ा सा, एंड वाइट को थोड़ा सा वाइट को प्लस रखेंगे, ठीक है। तो अगर बिफोर जो अपने पिक्सार्ट ने एडिट की थी एंड आफ्टर जो अपने लाइटरूम ने एडिट की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसे अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, एंगा जो भी मेरे चैनल पर होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो इतनी, तब तक गाइस जय हिंद।